सुनना सिड, अगर सिमरन मुझे फेसबुक पे मिल गई हाँ तो मैं उसके वॉल पे क्या लिखूं? लिख इस वॉल पे पेशाब करना मना है। डूड, तुझे नहीं लगता तू एस्ट्रोलॉजर की बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है? डूड प्लीज, उसका नाम सर से शुरू होता है, उसके मिलते ही फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। सोचना यार, वेयर डू थिंक आई विल फाइंड हर? ओके, तेरी ये जो सिमरन है, तुझे क्या लगता है उसे क्या पसंद है? डू यू थिंक शी लाइक्स टू पार्टी? क्यों? सी, इफ शी इज द पार्टी टाइप ना, देन वी शुड लुक फॉर द बेस्ट एंड द मोस्ट हैपनिंग डिक्स इन टाउन। क्या? हम्म, कितनी बार कहा है तुझसे, इट्स डिस्क नॉट डिक्स, इट्स आस्क नॉट आक्स। एक दिन ऐसा फंसेगा ना तू, याद रख। याद? याद से याद है, मैं तो भूल ही गया यार, आज तो मुझे किसी को जॉब के लिए मिलना है। चल अबे ए, अपने सीडीज तो लेके जा। मेरे पास हार्ड डिस्क है ना। सॉरी सर, यू आर लेट, हमने किसी और को हायर कर लिया। नेवर माइंड, श्योर, थैंक यू। इस 7.5 ने तो मेरे करियर की। ये तो वही लड़की है। Hello. How can I help you? You want something to drink? Oh, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। No. I'm the guy who changed your life. Really? जिस DJ के वजह से तुम्हें हर social networking site पर, हर news channel पर इतनी publicity मिली है, वो DJ? वो DJ तुम हो? और इस वक्त मेरे सामने खड़े हो? आह, यकीन नहीं हो रहा है ना? DJ Sid. Anu. Nice to meet you. Anu. By the way, you were fantastic that night. Oh, really? Thank you. In fact, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ. You see, there's this big party and you just have to play it. Oh, me? Yes. Really? Yes. I would love to. Thank you. Come on. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है. It's time for me to return the favor, no? तुम भी ना? हाँ मैं. दो मिनट हाँ, मैं जरा कंफर्म करके आती हूँ. Don't go anywhere. I'll be right back. No, ma'am. Yeah, yeah. I'm right here. Table number 50. All right. ठीक है ना? Yes, ma'am. याद है तुमने मुझे बताया था यहाँ पर हर फ्राइडे वो औरतें मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं? मैम वो रूम नंबर 1769। हाँ, exactly. Is it on tonight? Yes, ma'am. लेकिन क्यों? मैं किसी को भेजना चाहती हूँ। अरे मैम, कैसी बात कर रही हैं आप तो जानती ही हैं उस रूम में क्या क्या होता है, फिर भी आप? I know, but trust me, Alwyn, this guy really deserves it, man. वो मैं एक्चुअली आया था क्योंकि हाँ, जानते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कम, व्हाई डोंट यू टेक अ सीट? ओह श्योर, थैंक यू सो मच। नाइस, वेरी नाइस। हम नए टैलेंट को चांस देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू। वैसे तुम्हारे चार्जेस? वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है, 2-3 घंटे या फिर फुल नाइट। वेल, हमारी पार्टी तो फुल नाइट चलती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरी रात बजा सकता हूँ। क्या है? सर, अनु मैडम ने आपके लिए ये भेजा है। अनु मैडम ने? जी। आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इज्जत कमाना किसे कहते हैं। वाह, सिमरन।
आदि, तुम यहाँ सुबह 4 बजे मेरे कॉल सेंटर के बाहर क्या कर रहे हो? वो कॉल करने आया था। कॉल करने? हेलो, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो तुम क्या देख रहे हो मुझे सब पता है। पता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। How disgusting! पर तुम इन छोटे मोटे एड्स पर मत जाओ, ये तो मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। ये हॉट सीट पे तुम हो? हाँ। और तब से तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो तुम मॉडल हो? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। हाँ, स्ट्रगल तो तुम्हारा यहाँ भी दिख रहा है। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, I was convinced you had a clean heart. बस अब तुम्हारा सिस्टम क्लीन करने की जरूरत है। It's so cute. इसको तो फ्रेम कराना चाहिए। सेद? क्या? एक 8-10 दिन में ये घर खाली कर देना। हाँ, तू ये चड्डी वड्डी में घूमता रहता है ना, तेरी भाभी के सामने अच्छा नहीं लगेगा। मेरी भाभी? जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ और जिसने मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ा दिया है। तू सनी लियोन से शादी कर रहा है? मैं किसी और जिस्म की बात कर रहा हूँ। सिमरन, एकदम यश चोपड़ा राज कपूर की हीरोइन जैसा नाम है ना, आजकल की हीरोइन जैसा नहीं। ये तो सिमरन से शादी कर रहा है, उसने हाँ बोल दिया? हाँ, अब हाँ बोलेगी कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना तब। अच्छा सिर्फ सुनना। हाँ, कल जब मैं उसे प्रपोज करूंगा ना, तू मेरा मोबाइल पे वीडियो शूट कर। यू फॉर द फ्यूचर। ईशान और सारिका भी देखेंगे ना। अब ये ईशान और सारिका कौन है? हमारे होने वाले बच्चे। तुझे 9 दिन नहीं हुए उससे मिले और तू 9 महीने की बात की प्लानिंग कर रहा है। डूड, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, तू नहीं समझेगा। मुझे बस अब उससे एक सवाल पूछना है कि विल यू मैरी मी, और उसे जवाब देना है यस। इसे तो अब सिर्फ रजनीकांत ही बचा सकता है। फायदा तो नहीं उठाओगे? नहीं सिमरन, मैं वैसा लड़का नहीं हूं। फिर वाइन पिलाने का क्या फायदा? चिल, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे ये सब किस लिए? मेरे घर एक शादी होने वाली है, यू हैव टू बी देयर। तुम बुलाओगे तो डेफिनेटली आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, वरना शादी कैसे होगी? मैंने तो कार्ड्स भी छपा दिए। नाइस। वैसे शादी किसकी है? हमारी। What? Will you marry me? No. Yes, I knew it. अगर तुम्हारे पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं आदि, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई और लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? No, it's not that. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि
प्रॉब्लम ये है, आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज. इसको तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इवन आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज. समझने की कोशिश करो आदि. आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज. दोस्ताना देखिए. हाँ. जॉन और अभिषेक. यानी उधर जॉन, इधर चिगना. डिल्डो. मैम, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? या. सॉरी मैम, आज तो बीच पे भी परमिट लगता है, धोबले साहब अलाउ नहीं करते. हाउ सैड. या. एक्सक्यूज मी, हमें कुछ नहीं चाहिए. आप जाइए ना यहाँ से, जाइए. लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारी टेस्ट कैसे बदल गई? तुम्हारे साथ रहने के बाद आई रियलाइज. मेरे साथ? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं. एग्जैक्टली. आई एम सॉरी आदि, प्लीज टेक केयर, बाय. ये वीडियो YouTube पे राइट कर देगा. अगर तू किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता ना, तो तू जरूर कन्वर्टर होता. कन्वर्टर. और अभी टी शर्ट उतार दे तू, इसे पहनने का हक तू बिल्कुल खो चुका है. लड़की की तरफ से तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है. देख, तू उंगली मत कर. छोड़ना, लुक एट द ब्राइट साइड. तू लड़की को इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट करने वाला था, अब उतने पैसे तो बच गए ना तेरे, है ना? एक मिनट, वो रिंग भी ले गई. देख, वो ऐसी नहीं है. मेरा दिल नहीं मान रहा है. Something's wrong somewhere. Shit. Oh my god. चिंगम भी हाथ से निकल गई. क्या? और तू हंस रहा है? वो आई तो पिक्चर आई, वो गई तो पिक्चर भी गई. एक बात तो कंफर्म है डूड, कि सिमरन ही मेरी सोलमेट है. बस अब मुझे ये पता लगाना है कि उसने मुझे ये स्टोरी क्यों दी. What? तुम्हें हाई दे है. एक तो तुझे लड़की के लिए छोड़ के गई, ऊपर से तेरा डायमंड रिंग भी लेके गई, और तू अब भी उसे अपनी सोलमेट मानता है? तुझे तो रिप्लीज के बिलीव इट और नॉट में होना चाहिए था. हेलो, इतना हंस मत. वो रिंग तो मेरी थी, लेकिन उसके ऊपर जो डायमंड है ना, वो तेरा था. बॉस, मेरे पास कोई डाय. सकरू का डायमंड? उस रिंग पर सकरू का डायमंड था? यस. अबे साले, इस बेचारे सकरू ने इस डायमंड के लिए खून पसीना नहीं और भी कुछ भाया यार. बस मुझे अभी के अभी सकरू का डायमंड चाहिए. पता लगा सिमरन कहाँ पे? पता लगा? Going to chill in Goa. इसकी स्टेटस पे लिखा है. डायमंड मिलते ही गोवा. लगता है उसने डायमंड बेच दिया. देख, सिमरन ऐसी वैसी लड़की नहीं है. आई अग्री, गोवा पहुंचने के बाद डायमंड बेचेगी. चल, वी आर गोइंग टू गोवा राइट नाउ. चल.